हम लोग पहला ऑर्गेनेल पढ़ रहे आज की क्लास का, वो है प्लास्टिड। एंड प्लास्टिड हम कह सकते हैं सिर्फ और सिर्फ जो है वो प्लांट सेल में पाया जाता है, एनिमल सेल में ये नहीं पाया जाता है। दूसरा चीज, ये प्लास्टिड डिफरेंट टाइप्स का होता है ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ पिगमेंट प्रेजेंट इन इट। ठीक है, कितने डिफरेंट डिफरेंट तरह का पिगमेंट प्रेजेंट होता है इस प्लास्टिड में। इस तरीके से प्लास्टिड जो है वो बेसिकली तीन तरीके का होता है। एक जो होता है ग्रीन कलर्ड प्लास्टिड होता है, तो हम कह सकते हैं कि बेस्ड ऑन टाइप ऑफ पिगमेंट, बेस्ड अपॉन टाइप ऑफ पिगमेंट प्रेजेंट, टाइप ऑफ पिगमेंट प्रेजेंट, पिगमेंट प्रेजेंट, प्लास्टिड्स आर ऑफ थ्री टाइप्स। प्लास्टिड्स आर ऑफ थ्री टाइप्स, तीन डिफरेंट तरह का प्लास्टिड हमको देखने को मिलता है। एक प्लास्टिड हो गया हमारा कौन सा भाई, तो सबसे पहला जो प्लास्टिड होता है उसको हम क्रोमोप्लास्ट कहते हैं। क्रोमोप्लास्ट, क्रोमो मतलब होता है कलर या कलरफुल प्लास्टिड, इसको हम कह सकते हैं, इसको हम कलरफुल प्लास्टिड कह सकते हैं, कलरफुल प्लास्टिड। देखो ये कलरफुल प्लास्टिड कहने का मतलब बहुत डिफरेंट तरह का कलर हो सकता है अदर देन ग्रीन। ग्रीन के लिए वर्ड क्लोरो यूज करते हैं, तो क्लोरोप्लास्ट इज ग्रीन कलर्ड प्लास्टिड, क्रोमोप्लास्ट इज कलरफुल प्लास्टिड। एंड कलरफुल में कौन कौन सा होगा, अदर देन ग्रीन हम कह सकते हैं, अदर देन ग्रीन। प्लास्टिड्स का मतलब एक ऑर्गेनेल है उसका नाम प्लास्टिड है, मतलब से मतलब नहीं है, इसका नाम है ऑर्गेनेल का जो कि प्लांट सेल में पाया जाता है। अदर देन ग्रीन की बात करें तो जैसे कि हम कह सकते हैं एग्जांपल आपके येलो कलर्ड प्लास्टिड होते हैं, जैसे कि अभी आम का सीजन आ गया तो क्या होगा, येलो कलर्ड है। फिर क्या हो गया, ऑरेंज कलर है। फिर डिफरेंट कलर्स में पाए जाते हैं, जैसे रेड कलर हो गया। अगर मैं क्रोमोप्लास्ट की बात करूं तो क्रोमोप्लास्ट भाई और क्या चीज में प्रेजेंट है, तो हम कह सकते हैं क्रोमोप्लास्ट जो है ये इसका मेन काम प्लांट में कलरेशन प्रोवाइड करना होता है। जैसे कि पत्ते वगैरह को तो क्लोरोप्लास्ट हरा करता है, लेकिन जैसे मान लो फ्लावर पेटल्स हो गया, फ्रूट्स हो गए, इनको जो है कलरेशन प्रोवाइड करने का काम क्रोमोप्लास्ट का होता है। जैसे फ्लावर पेटल कलर होते हैं, कलरफुल फ्लावर पेटल्स का फायदा क्या होता है कि वो पॉलिनेटिंग एजेंट्स या पॉलिनेटर्स जिसको हम लोग कहते हैं, रिप्रोडक्शन चैप्टर में भी हम लोग पढ़ेंगे। एंड इस केस में हम कह सकते हैं पॉलिनेटर्स जो है, एंड पॉलिनेटर्स, सर आपका साउंड बीच बीच में सर फ्रीज हो जा रहा है। अच्छा यस पूर्णिमा, ये सारे के सारे साइटोप्लाज्म में ही आ रहा है। यस, तो देखिए क्रोमोप्लास्ट की हम बात कर रहे हैं, तो क्रोमोप्लास्ट कलरफुल प्लास्टिड है। एंड हम कह सकते हैं कि ये क्रोमोप्लास्ट का काम क्या है, प्रोवाइड्स कलरेशन, प्रोवाइड्स कलरेशन टू द प्लांट पार्ट्स, प्लांट पार्ट्स, कलरेशन टू द प्लांट पार्ट्स। ठीक है, सच एज फ्लावर पेटल्स हो गए, फ्रूट्स हो गए, इनके केस में हमको देखने को मिल रहा है। ठीक है, फ्लावर पेटल्स का काम क्या होता है, अगर मान लो हम बोल रहे हैं फ्लावर पेटल्स कलरफुल हो जाएंगे तो कलरफुल का फायदा क्या होगा, कलरफुल या हम कह सकते हैं कलरफुल फ्लावर पेटल्स या कलरफुल पेटल्स, कलरफुल
petals attract pollinators. Pollinators को attract करने का काम करता है ये chromoplast. हाँ बिल्कुल अमृत, लिखने के लिए टाइम देंगे. देखिए तो यहां तक, तो पहला जो प्लास्टिड टाइप हो गया हम लोगों का वो है क्रोमोप्लास्ट. लिखिए इसको पहले. सर टेस्ट में कौन कौन सा चैप्टर आएगा? टेस्ट में यही चैप्टर आएगा. इस चैप्टर में लास्ट क्लास में जहां तक हुआ था ना माइटोकॉन्ड्रिया तक, वहां तक का टॉपिक आएगा. फिर से बोल रहे हैं, इस चैप्टर में लास्ट जो टॉपिक हुआ था पिछले वीक में, वहां तक इस चैप्टर में आएगा. ओके सर. ओके सर. सर थोड़ा अभी हटाइएगा. नहीं, जितने प्लास्टिड है पायल उसको क्रोमोप्लास्टिड नहीं बोलते हैं, जितने कलरफुल होते हैं उनको क्रोमो बोलते हैं. हाँ बोलिए क्या हो गया. हो गया ऑल डन, लिख लिए? नो सर. नो सर. अच्छा यस सर, हो गया सर. एग्जांपल लिख रहे हैं, दो मिनट. हाँ लिखिए. डन सर. सर आपने क्लोरोप्लास्ट में कलरफुल प्लास्टिड लिखा है अदर देन ग्रीन, तो सर ग्रीन वाले को क्या कहते हैं? मम्मी मम्मी मम्मा प्लीज गिव मी वाटर एंड ऑल दैट. देवा थोड़ा प्लीज गिव मी वाटर. ओके वो डंटा नहीं लगा. अरे अरे यार, तो वो भी तो बोल रही है वो भी. नहीं देखिए देखिए, ई चीटिंग है. देखिए देखिए, वो हंसेगी तो हमको भी हंसी आएगा. नहीं तो मोबाइल. क्या हो गया सर? एक डाउट था सर. सर आपने कलरफुल प्लास्टिड अदर देन ग्रीन लिखा है, तो सर ग्रीन वाले को क्या कहते हैं, एक बार बता दीजिए. ग्रीन वाले को क्लोरोप्लास्ट कहेंगे. आगे नेक्स्ट जो टाइप है हमारा सेकंड, वो क्लोरोप्लास्ट. ओके सर. चलिए सेकंड हम लोग देखते हैं. सेकंड जो टाइप है हमारा वो है क्लोरोप्लास्ट. तो पहला हम लोगों ने, हाँ बता रहे हैं प्लास्टिड का डायग्राम. सेकंड जो है वो है क्लोरोप्लास्ट. क्लोरोप्लास्ट, तो क्लोरोप्लास्ट क्लोरो वर्ड ग्रीन के लिए यूज किया जाता है, क्लोर. तो ये ग्रीन कलर्ड प्लास्टिड है. ग्रीन कलर्ड प्लास्टिड. एंड जाहिर सी बात है ग्रीन है, तो ये एक ग्रीन कलर्ड पिगमेंट कंटेन करता है जिसको क्लोरोफिल बोलते हैं. क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, ये क्लोरोफिल को कंटेन करता है. क्लोरोफिल को. एंड क्लोरोफिल क्या करता है? क्लोरोफिल भाई करता है कि सनलाइट को ट्रैप करता है. ट्रैप सनलाइट.
एंड हेल्प्स इन फोटोसिंथेसिस, हेल्प्स इन फोटोसिंथेसिस। तो हम कह सकते हैं कि क्लोरोप्लास्ट जो होता है उसका जो काम होता है वो फोटोसिंथेसिस में होता है, सनलाइट को ट्रैप करेगा एंड फोटोसिंथेसिस करेगा जिसमें ग्लूकोज बनाएगा। यस, दिस इज द रीजन व्हाई लीव्स आर ग्रीन। ठीक है सर, डाउट है सर। हाँ सर, आप जो क्रोमोप्लास्ट अगर लिखवाएं तो सर उसमें क्लोरोफिल तो नहीं होता है क्योंकि ये ग्रीन पिगमेंट है, तो क्या सर उनमें फोटोसिंथेसिस नहीं होता है? नहीं, उनमें नहीं होता है, उनमें फोटोसिंथेसिस होता ही नहीं है, मतलब क्रोमोप्लास्ट में नहीं। ओके देखिए, आप तब क्वेश्चन पूछिएगा कि बहुत सारा ऐसा प्लांट तो हम देखते हैं जो लाल कलर का होता है ना, जो शो वाला प्लांट होता है या कलरफुल उसके लीव्स होते हैं, तो एक्जैक्टली उसमें पूरा रेड नहीं रहता है, कुछ अमाउंट में ग्रीन या क्लोरोफिल पाया ही जाता है। ठीक है, तो कुछ कुछ अमाउंट में उनमें भी क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, लेकिन पूरा का पूरा क्लोरोप्लास्ट ज्यादा नहीं पाया जाता है। क्यों? क्योंकि उसका जो एनर्जी का डिमांड होता है ना काफी कम होता है, इसीलिए तुम देखना कि जो शो वाले प्लांट घर में हम लगाते हैं ना वो बहुत बहुत धीरे धीरे बढ़ता है, उतना तेजी से उसमें ग्रोथ भी नहीं होता है। क्यों? क्योंकि एनर्जी उसमें बहुत कम प्रोड्यूस होता है एज कम्पेयर टू जो बाहर ग्रीन प्लांट्स है वो बहुत तेजी से ग्रो करते हैं। Yes, understood. तो ये हमारा दूसरा प्लास्टिड हो गया जिसका दो काम है, एक तो सनलाइट को ट्रैप करना कि फोटोसिंथेसिस हो सके, दूसरा वाला काम क्या है कि लीफ को हरा भरा करना। अगर मैं थर्ड वर्क की बात करूं, तो तीसरा जो काम होता है वो होता क्या है भाई? तो थर्ड हम देख लेते हैं यहाँ पे, थर्ड जो हमारा नाम है वो है ल्यूको, ल्यूको वर्ड वाइट के लिए यूज करते हैं, ल्यूकोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, ल्यूको, जैसे WBC को ना, वाइट ब्लड कॉर्पसल्स को हम लोग ल्यूकोसाइट भी कहते हैं, तो यहाँ पे ल्यूकोप्लास्ट कहने का मतलब क्या हो गया? वाइट कलर्ड प्लास्टिड, वाइट कलर्ड प्लास्टिड, व्हाइट कलर्ड प्लास्टिक। अब देखो है तो व्हाइट कलर, मतलब ये कोई पिगमेंट को कंटेन नहीं कर रहा है, कोई भी पिगमेंट नहीं है, कंटेन्स नो पिगमेंट। कंटेन्स नो पिगमेंट, नो पिगमेंट, तो जाहिर सी बात है कोई पिगमेंट तो स्टोर नहीं करता है, लेकिन ये क्या करता है? ये फूड को स्टोर करता है, हम कह सकते हैं स्टोर्स फूड, फूड को स्टोर करता है। अब ये फूड कौन सा वो स्टोर करेगा इसके आधार पे तीन तरीके का ल्यूकोप्लास्ट होता है, मतलब ल्यूकोप्लास्ट तीन तरीके का हो गया, किस बेसिस पे कि कौन सा वो फूड है उसको वो स्टोर करके रखा है। तो ये स्टोर्ड फूड हो गया हमारा। ठीक है, एक मिनट यहां तक लिखिए। तो आखिरी में स्टोर फूड लिखे हैं। हेलो हेलो सर, सर हाँ बोलिए, हो गया सर? या सर आखिरी में स्टोर फूड लिखे हैं क्या?
स्टोर्स लिखे है, स्टोर्स फूड। ठीक है सर, डन सर। तो देखिए कौन सा वो फूड स्टोर कर रहा है, इसके आधार पे तीन तरीके का ल्यूकोप्लास्ट है। जैसे हम कह रहे हैं, मान लो यहाँ पे देखने को हमको मिलेगा, मान लो वो फूड के रूप में ना स्टार्च स्टोर कर रहा होगा, स्टार्च जो कि कार्बोहाइड्रेट होता है। एक केस ये हो सकता है, दूसरा क्या स्टार्च है, STARCH स्टार्च। दूसरा केस क्या हो सकता है कि वो स्टोर कर रहा है भाई प्रोटीन को। तीसरा केस है ये कि वो स्टोर कर सकता है फैट को। ठीक है, तो तीन चीजें हो सकती हैं, एक तो वो स्टार्च को स्टोर कर सकता है, दूसरा वो प्रोटीन को स्टोर कर सकता है, या तीसरा वो फैट को हमारा स्टोर करता है। तो वैसा ल्यूकोप्लास्ट जो कि स्टार्च को स्टोर करता है, वैसा ल्यूकोप्लास्ट को हम एमाइलोप्लास्ट बोलते हैं। इतना क्लियर है? मतलब वैसा ल्यूकोप्लास्ट जो कि स्टार्च स्टोरिंग ल्यूकोप्लास्ट है उसको एमाइलोप्लास्ट बोलते हैं। दूसरा क्या हो गया, वैसा ल्यूकोप्लास्ट जो कि प्रोटीन को स्टोर करता है, वैसे ल्यूकोप्लास्ट को हम एल्यूरोप्लास्ट बोलते हैं, एल्यूरोप्लास्ट। एंड वैसा ल्यूकोप्लास्ट जो कि फैट को स्टोर करता है, वैसे ल्यूकोप्लास्ट को हम इलायोप्लास्ट बोलते हैं। ठीक है, तो हम कह सकते हैं भाई कि ल्यूकोप्लास्ट तीन तरीके का हो गया, एमाइलोप्लास्ट, एल्यूरोप्लास्ट एंड इलायोप्लास्ट। तो प्लास्टिड तीन तरीके का, क्रोमो क्लोरो ल्यूको, ल्यूको तीन तरीके का, एमाइलो एल्यूरो एंड इलायो। काफी कॉम्प्लिकेटेड हो गया होगा अब तक इतना सारा वर्ड्स, लेकिन थोड़ा सा समझना है बस, समझ लीजिएगा, समझ में आ जाएगा आपको। एंड याद ज्यादा कुछ नहीं करना है, एक दो चार बार आप पढ़ लीजिएगा, आपको याद हो जाएगा, दिमाग में बैठ जाएगा। Answer. हो गया, तो ये एक yes, sir. हमारा क्या हो गया, एमाइलोप्लास्ट। दूसरा वाला हो गया एल्यूरोप्लास्ट, एंड भाई तीसरा वाला है इलायोप्लास्ट। तो तीन तरीके का प्लास्टिड हमने पढ़ा, कौन कौन सा, क्रोमो क्लोरो एंड ल्यूको। लेकिन मेनली हमारे लिए जो रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि पूरे अर्थ पे जो फूड चेन है वो तो क्लोरोप्लास्ट के चलते स्टार्ट है। बोलिए सर, अपने फैट के नीचे क्या लिखा हुआ है? स्टार्च के नीचे एमाइलो लिखे, AMYLO, एमाइलो। सर स्टार्च नहीं, फैट। फैट के नीचे इलायो, ELIO, इलायोप्लास्ट। डन सर। ओके, सो देखिए हम कह रहे हैं कि हमारे लिए रेलेवेंट कौन है ज्यादा, तो हम कह सकते हैं क्लोरोप्लास्ट, क्योंकि फोटोसिंथेसिस करता है, एंड पूरा का पूरा जो फूड चेन है, या पूरा हम कह सकते हैं अर्थ जो है फूड पे ही डिपेंडेंट है, चाहे कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, स्टार्टिंग फूड चेन का प्रोड्यूसर यानी कि प्लांट से होता है। तो हम कह सकते हैं कि जो क्लोरोप्लास्ट है वो काफी इंपॉर्टेंट है, इसीलिए हम क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर पढ़ते हैं। तो प्लास्टिड में हमको स्ट्रक्चर जो पढ़ना होता है, या जो डायग्राम भी दिया हुआ होता है, वो एक्चुअली क्लोरोप्लास्ट का ही दिया होता है। तो नेक्स्ट जो हमको पढ़ना है वो है क्लोरोप्लास्ट। तो हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट, स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट, स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। अब देखिए यहां पे हमको स्ट्रक्चर पढ़ना है भाई। तो क्लोरोप्लास्ट भी कैसा होता है, एक डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल होता है। ठीक है, डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल है ये भी, जिस तरीके से माइटोकॉन्ड्रिया था उसी तरीके से ये भी क्या है, एक डबल मेम्ब्रेन्ड ऑर्गेनेल है, डबल मेम्ब्रेन्ड ऑर्गेनेल। दूसरा हम कह सकते हैं कि दूसरा जो चीज है वो ये है कि क्लोरोप्लास्ट भी माइटोकॉन्ड्रिया के तरह एक सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल होता है। क्यों? क्योंकि इसके पास भी अपना क्रोमोसोम होता है, मतलब अपना डीएनए, अपना आरएनए एंड अपना प्रोटीन,
जिसके वजह से ये अपने फंक्शन को मोस्टली कंट्रोल करता है। न्यूक्लियर स्पेस को कोई डिपेंडेंट होने की जरूरत नहीं है, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया भी था, उसमें भी क्या था भाई, उसमें भी अपना डीएनए आरएनए प्रोटीन राइबोसोम्स वगैरह पाया जाता था, जिसकी वजह से वो अपने फंक्शन को खुद ही कंट्रोल कर रहा होता है। यहाँ पे भी हमको यही चीज देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे भी ये अपने फंक्शन को अपने ही कंट्रोल कर रहा है। हम कह सकते हैं कि ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ डीएनए आरएनए एंड प्रोटीन, प्रोटीन कहां से आया भाई, क्योंकि इसके पास भी अपना क्या है, राइबोसोम्स है, अपना राइबोसोम्स है। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ डीएनए आरएनए एंड प्रोटीन प्लास्टिड लाइकवाइज माइटोकॉन्ड्रिया controls most of its functions अपने ज्यादातर function को यह क्या करता है, control कर पाता है, and do not depend on nucleus न्यूक्लियस पे डिपेंडेंट नहीं है, जिसके वजह से इसको भी हम लोग सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल कहते हैं, देयरफॉर कॉल्ड एज सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल, सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल, सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल, इसको भी हम लोग सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल कहते हैं, जैसे कि क्या हो गया हमारा, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, ठीक है, तो इसको भी हम लोग सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल के नाम से जानते हैं। लिखिए तो यहां तक, सर प्लास्टिड के बाद क्या लिखे हैं, प्लास्टिड के बाद लिखे लाइकवाइज, LIKEWISE, लाइकवाइज। दिया है साला ही, डन सर। सर एक डाउट है सर, राइबोसोम्स प्रोटीन डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं या प्रोड्यूस करने में हेल्प करते हैं? राइबोसोम अलग है, लाइसोसोम अलग है, लाइसोसोम डाइजेस्ट करता है, राइबोसोम बनाता है। ओके सर, वो लाइजो है, लाइसोसोम डाइजेस्ट कर, ओके सर, राइबो आर है, वो एल है जो डाइजेस्ट करता है, वो एल है जो बनाता है, वो आर है। ओके सर, इज इट डन? यस सर। उत्कर्ष, इसका पीडीएफ अपलोड हो जाएगा बिल्कुल। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। डन सर। Yes, also video भी by the evening। तो देखिए अब इसके स्ट्रक्चर को हम देखते हैं, ये तो डबल मेम्ब्रेन था भाई, डबल मेम्ब्रेन, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर इसका देखने को हमको मिल रहा है। Mm-hmm.
सर इसका वीडियो सर आ जाएगा? यस ऑब्वियसली शाम तक 6 बजे तक। देखिए ये भी डबल मेम्ब्रेन है, ये आउटर मेम्ब्रेन हो गया हमारा, ये आउटर मेम्ब्रेन हो गया, अंदर वाला जो हो गया वो इनर मेम्ब्रेन हो गया, इनर मेम्ब्रेन, ठीक है। एंड इसमें क्या है, अंदर में सेपरेशन होता है भाई, इसमें अंदर में हम कह सकते हैं सेपरेशन होता है, कैसा? इसमें भी पूरा का पूरा हम कह सकते हैं कि अंदर भरा हुआ होता है, जो कि हम कह सकते हैं इसमें भी अंदर कंपार्टमेंट, जैसे कि हमारा माइटोकॉन्ड्रिया का याद करिए कि अंदर भी पूरा क्या था, भरा हुआ था, वो किन चीजों से? तो जेली लाइक सब्सटेंसेस से भरा हुआ था, एंड उनको हम मैट्रिक्स कह रहे थे। इसके मैट्रिक्स के लिए ना एक वर्ड यूज करते हैं, ये भी पूरा भरा हुआ है, जेली लाइक मैट्रिक्स है, ठीक है। इसके लिए जो वर्ड यूज करते हैं इसको हम स्ट्रोमा के नाम से जानते हैं, स्ट्रोमा, ठीक है। तो ये भी पूरा भरा हुआ है ऐसे। स्ट्रोमा का फंक्शन, स्ट्रोमा का फंक्शन होता है कि ये जो है एक रिएक्शन करवाता है जिसको हम लोग ब्लैक डार्क रिएक्शन कहते हैं। यहीं पे हमारा जो खाना है ग्लूकोज, उसका सिंथेसिस होता है। तो देखिए यहाँ पे स्ट्रोमा है, ये वाला पूरा पार्ट हमारा क्या हो गया, स्ट्रोमा का हो गया। स्ट्रोमा में देखा जाता है ना कि ऐसा कॉइन लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, स्टैक बना के ऐसा कॉइन लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, ऐसा स्टैक बना के ऐसा, ऐसा कॉइन लाइक स्ट्रक्चर। मान लो कि 10-10 का सिक्का है, ऐसा 10 या 15 एक साथ रखा हुआ रहता है, एंड ये जो स्टैक है कॉइन्स का, इस स्टैक को हम ग्रैना बोलते हैं, ग्रैनम, एक को ग्रैनम बोलते हैं, एक से ज्यादा रहता है तो उसको ग्रैना बोलते हैं। तो ये जो स्टैक हमको नजर आ रहा है, ये स्टैक, इस स्टैक को ग्रैना बोलते हैं, GRANUM, ग्रैनम बोलते हैं। प्लूरल जो होता है वो ग्रैना होता है, प्लूरल, प्लूरल इसका ग्रैनम होता है, सॉरी ग्रैना होता है। अब आप देखिए ऐसा स्टैक लाइक प्रेजेंट है। अगर मान लो एक कॉइन को हम यहाँ से निकालते हैं, ठीक है, ये एक कॉइन ऐसा है, ये तो भाई ऐसा होगा, टू पॉकेट लाइक स्ट्रक्चर, ये जो कॉइन लाइक स्ट्रक्चर नजर आ रहा है एक सिंगल, इसको हम थाइलाकॉइड बोलते हैं, थाइलाकॉइड। एंड ये जो थाइलाकॉइड होता है इसके अंदर सरफेस पे ना क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, ऐसे ये है क्लोरोफिल, इसके अंदर प्रेजेंट होता है। तो देखिए पूछा जाता है कि क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है, तो क्लोरोफिल थाइलाकॉइड के अंदर पाया जाता है। ये थाइलाकॉइड्स जो है, ये सॉरी, ये जो ग्रैना है, दो ग्रैना के थाइलाकॉइड्स आपस में भी जुड़े हुए होते हैं ऐसे, ठीक है, आपस में भी चैनल से जुड़े रहते हैं, एक हम कह सकते हैं ट्यूब से जुड़े रहते हैं। एंड इसको क्योंकि ये स्ट्रोमा में रहते हैं इसीलिए इसको स्ट्रोमा थाइलाकॉइड बोलते हैं, स्ट्रोमा थाइलाकॉइड। या इसी को स्ट्रोमा लैमेली भी बोलते हैं, स्ट्रोमा लैमेली।
ठीक है, तो ये स्ट्रोमा थाइलाकॉइड या स्ट्रोमा लैमेली हो गया। इसके अंदर मैंने क्या बताया, अपना ही क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है, ठीक है, अपना क्रोमोसोम है भाई, और अपना क्या है, अपना इसके अंदर क्या है, राइबोसोम्स पाया जाएगा इसके अंदर, और अपना क्या पाया जाएगा, तो इसके अंदर अपना आरएनए पाया जाएगा, है ना, तो सब चीज में अपना पाया जा रहा है, जिसकी वजह से ये सेमी ऑटोनोमस हो गया। तो ये इसका क्या हो गया, क्रोमोसोम्स हो गया, क्रोमोसोम, ये इसका क्या हो गया, राइबोसोम्स हो गया, ये इसका क्या हो गया, आरएनए हो गया। तो बेसिक स्ट्रक्चर प्लास्टिड का यही हमको नजर आता है, जो कि ये है, ठीक है, तो बनाइए, तो इसको अच्छे से बनाइए, साफ साफ ड्रॉ करना है। डन सर, जल्दी डन सर, बहुत अच्छे, डन सर, डन सर, ओके, डन सर, नो सर अभी नहीं हुआ, ठीक है, दो तीन मिनट दे रहे हैं, बना लीजिए, डन, ठीक है, क्या हो गया है, रेस्ट कीजिए, जिनका नहीं हुआ बना रहे, डन सर, डन सर, आगे कर, सर इस नोट्स को सबमिट भी करना है, हेलो सर, हाँ बोलिए, हो गया, यस सर, सर डन, हाँ नोट्स आप लिखते रहिएगा, ठीक है, नोट देखिए मैं शुरू से कह रहा हूँ कि क्लास में ही नोट्स अटेन, नोट्स लिखने की जरूरत है आपको क्लास में, देखो बहुत ज्यादा, एक तो समझो पढ़ाई लिखाई बड़ा बोरिंग काम है, ठीक है, और उससे भी बोरिंग काम है ना नोट्स को फेयर करते रहना,
कि भाई रफ में लिख लिया किसी तरह या बाद में बच गया फिर उसको फेयर कर रहे हैं, सारा टाइम इसी में चला जाता है जो लिटरली बेकार हो जाता है खाली। और क्या होता है कि जब हम लिखने बैठेंगे ना, तुम अभी क्लास में लिखोगे ना तो जैसे तैसे लिख लोगे, लेकिन जब अपने से लिखने बैठोगे ना तो खराब हैंड राइटिंग में लिखाता नहीं है, लिखाता है सुंदर सुंदर हैंड राइटिंग में, नहीं मन करता है कि खराब खराब लिखे, तो उसमें टाइम बहुत लगता है। तो इसीलिए बेहतर है कि आप नोट्स जो है वो साथ ही में लिखने का, फेयर कॉपी एक ही रखना है उसी में साथ साथ लिखते रहना है, नोट्स फेयर वगैरह को चक्कर नहीं लगाना। सर नोट्स को लिंक पे भी भेजना है क्या? हाँ, लिख के सबमिट करना रहता है आपको, ताकि ये देखिए ये एक एश्योरेंस है आपके तरफ से भी, हम भी चेक करते हैं कि क्या लिख रहे हैं कि नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि मैक्सिमम ऑनलाइन है वर्चुअल ये चीज है तो पता नहीं होता है ना, ट्रैकिंग नहीं हो पाता है कि आप लिख रहे हो कि नहीं लिख रहे हो, क्लास में तो दिख रहा है ना कि आप लिख रहे हो कि नहीं लिख रहे हो। साउंड इज नॉट क्लियर अमृत, क्या साउंड नहीं आ रहा है क्या? सर योर साउंड इज क्लियर। सिद्धि लेक्चर नंबर 6 है सर, योर साउंड इज वेरी वेरी क्लियर। सिद्धि ये लेक्चर नंबर 6 है हमारा, सर योर साउंड इज वेरी वेरी क्लियर। ओके सो ये हमारा पूरा का पूरा क्या था भाई, ये हमारा पूरा का पूरा प्लास्टिड खत्म हो गया। तो हमने माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ लिया, हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, लाइजोसोम्स, फिर वैक्यूल्स, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, ये सारी चीजें हमने पढ़ लिया। एक ऑर्गेनेल और थोड़ा पढ़ना है, उसको सेंट्रियोल कहते हैं, देख लेते हैं थोड़ा सा हम लोग उसको भी, ये क्या होता है भाई। तो ये ऑर्गेनेल का नाम है सेंट्रियोल, नाम तो थोड़ा अजीब है, इसको सेंट्रियोल्स कहते हैं। जिस तरीके से प्लास्टिड जो होता है वो एनिमल सॉरी प्लांट सेल में पाया जाता है, उसी तरीके से सेंट्रियोल सिर्फ और सिर्फ एनिमल सेल में पाया जाता है, फाउंड ओनली इन एनिमल सेल। फाउंड ओनली इन एनिमल सेल, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ एनिमल सेल में ही पाया जाता है सेंट्रियोल। कैसा ये होता है, ये भी राइबोसोम की तरह नॉन मेम्ब्रेन बाउंड होता है, मतलब हम कह रहे हैं इसके ऊपर भी कोई दीवार वगैरह नहीं होता है, नॉन मेम्ब्रेन बाउंड। नंबर में ये कितना होता है, दो नंबर में होता है, टू इन नंबर। अगर स्ट्रक्चर देखें तो कैसा होता है, सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर होता है इसका, सेंट्रियोल और सेंट्रोसोम बता रहे पूर्णिमा अभी, देखो ये स्ट्रक्चर वाइज कुछ ऐसा नजर आता है हमको, हॉलो सिलिंड्रिकल, ठीक है, ये स्ट्रक्चर वाइज कुछ ऐसा नजर आता है, एंड दो सेंट्रियोल आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर प्रेजेंट होते हैं ऐसे, दो सेंट्रियोल आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, ये कुछ ऐसा और इसमें ऐसा कुछ स्ट्रक्चर हमको नजर आता है ऐसा, तो देखो दो सेंट्रियोल है, ये भी सेंट्रियोल है, ये भी सेंट्रियोल है, सेंट्रियोल्स, एंड ये एक दूसरे पे 90 डिग्री पे प्रेजेंट होता है, 90 डिग्री पे, ठीक है, एक दूसरे पे 90 डिग्री पे प्रेजेंट होता है, एंड
इस सेंट्रियोल के आसपास देखने को मिलता है कुछ सब्सटेंसेस प्रेजेंट होते हैं, इस सेंट्रियोल के आसपास हम कह सकते हैं कुछ सब्सटेंसेस प्रेजेंट होते हैं, एंड ये जो सेंट्रियोल के आसपास का जो स्पेस है जिसमें ये कुछ सब्सटेंसेस प्रेजेंट है इसको सेंट्रोस्फेयर बोलते हैं, इस रीजन को हम सेंट्रोस्फेयर बोलते हैं। एंड दोनों को मिला के मतलब सबको मिला के भाई ये भी मिला और ये भी सबको मिलाकर हम सेंट्रोसोम बोलते हैं, इस स्ट्रक्चर को सेंट्रोसोम बोलते हैं। अब क्लियर हो गया, मतलब सेंट्रोसोम के अंदर दो सेंट्रियोल है प्लस सेंट्रोस्फेयर है, ठीक है, सेंट्रोसोम बोलते हैं। इसका काम क्या होता है भाई, इसका काम होता है एनिमल सेल में सेल डिवीजन में हेल्प करता है, हेल्प इन सेल डिवीजन। Done, sir. ये हमारा एक तरीके से हम कह सकते हैं कि लास्ट बी खत्म हो गया ऑर्गेनेल। अब देखो अब हमें जो पढ़ना है, अब हमें सर आपका आवाज रिपीट हो रहा है, सर रिपीट हो रहा है आपका साउंड, देखो हम सेंट्रियोल्स कहे, लास्ट हमारा क्या है भाई, सेंट्रियोल्स भी है वो भी फिनिश हो गया एज एन ऑर्गेनेल। अब हमें न्यूक्लियस को पढ़ना है, ठीक है, अब हम लास्ट एंड पे आ रहे हैं, वो है न्यूक्लियस। तो ना लास्ट लिखिएगा न्यूक्लियस, देखिए न्यूक्लियस की हम बात कर रहे हैं तो न्यूक्लियस भाई हमारा कैसा है, तो न्यूक्लियस की हम बात करते हैं तो न्यूक्लियस हमारा एक मिनट कौशिक, एक मिनट मैं वैक कर दे रहा हूं, मैं वो भी शेयर कर दूंगा होमवर्क वाला भी अमृत। Yes, it will be the last topic for today. सेल डिविजन अगर नहीं होगा तो सेल जो है वो तो अपना लाइफ साइकिल पूरा करके मर ही जाएगा, नए सेल नहीं बन पाएंगे, प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं प्रेजेंट होता है। पीयूष
न्यूक्लियस की हम बात करें तो इसको ब्रेन ऑफ दी सेल भी कहते हैं हम लोग, ब्रेन ऑफ द सेल, ठीक है, इसको हम ब्रेन ऑफ दी सेल भी कहते हैं। नो इट इज मेम्ब्रेनलेस। सेल डिवीजन उसमें कैसे होता है, उसमें सिंपल न्यूक्लियस या उसका क्रोमोसोम बट जाता है एंड बट के सेल भी डिवाइड कर जाता है, ऐसे ही होता है। अब देखो न्यूक्लियस की हम बात कर रहे हैं तो न्यूक्लियस में कुछ ऐसा स्ट्रक्चर है, ये भी क्या है, डबल मेम्ब्रेन है, डबल मेम्ब्रेन, एंड इसका भी स्ट्रक्चर कुछ ऐसा नजर आता है। देखो याद करिए, हम लोगों ने जब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को पढ़ा था तो उसमें न्यूक्लियस से ही एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम निकला आता है, ठीक है, वो चीज तो नहीं बना रहे इसमें क्योंकि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमको नहीं पढ़ना है। ये वाला इसका आउटर मेम्ब्रेन हो जाएगा, आउटर मेम्ब्रेन, एंड ये नीचे वाला जो है वो इनर मेम्ब्रेन है। कहीं कहीं पे ये जो दोनों मेम्ब्रेन होते हैं वो दोनों आपस में मिल जाते हैं, एंड मिल जाते हैं तो वहां पे कुछ छेद नजर आता है, एंड इस छेद को हम न्यूक्लियर पोर कहते हैं, न्यूक्लियर पोर, न्यूक्लियर पोर कहते हैं, ठीक है, इस छेद को हम लोग न्यूक्लियर पोर के नाम से जानते हैं। एंड अंदर क्या भरा होता है भाई, अंदर में इसका भी मैट्रिक्स भरा होता है, ठीक है, हम कह सकते हैं ये भी अंदर से क्या होता है, इसमें भी मैट्रिक्स भरा होता है इसका, एंड इसके मैट्रिक्स को हम न्यूक्लियोप्लाज्म के नाम से जानते हैं। जिस तरीके से साइटोप्लाज्म होता है न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच के स्पेस को, जो कि भरा होता है जेली लाइक सब्सटेंस है, तो उसको जिस तरीके से हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म, उसी तरीके से यहाँ पे इसको हम लोग बोल रहे हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। तो ये वाला भाई हमारा हो गया न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म, तो ये हमारा न्यूक्लियोप्लाज्म हो गया। अब देखो इस न्यूक्लियोप्लाज्म में कुछ जेनेटिक मटेरियल, कुछ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर हमको नजर आ रहे होते हैं, ठीक है, ऐसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर नजर आ रहे होते हैं, एंड इन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को हम क्रोमेटिन मटेरियल कहते हैं, इनको हम क्रोमेटिन मटेरियल कहते हैं, ये जेनेटिक मटेरियल है, या क्रोमेटिन फाइबर भी बोल सकते हैं, क्रोमेटिन फाइबर, यह है क्या, यह है जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल मतलब यही कैरेक्टर्स को एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में लेके जाएंगे, यह है जेनेटिक मटेरियल। अब देखो यहां पे एक टाइनी और स्मॉल स्फेरिकल स्ट्रक्चर नजर आ रहा होता है जो काफी डेंस एक साइड में है, एंड इस डेंस स्ट्रक्चर को हम न्यूक्लियोलस बोलते हैं, न्यूक्लियोलस। देखो जिस तरीके से सेल का ब्रेन न्यूक्लियस है, मतलब सेल के फंक्शन को न्यूक्लियस कंट्रोल कर रहा होता है, न्यूक्लियस के फंक्शन को न्यूक्लियोलस कंट्रोल कर रहा है, ठीक है, इसको ब्रेन ऑफ न्यूक्लियस कह सकते हैं, ब्रेन ऑफ न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस के भी अंदर एक छोटा न्यूक्लियस है जो उसको कंट्रोल कर रहा है, जिसको न्यूक्लियोलस कहते हैं। तो ये हमारा न्यूक्लियस का जनरल स्ट्रक्चर हो गया, बनाइए दोस्तों।
दोनों बोल सकते हैं पूर्णिमा, थ्रेड भी बोल सकते हैं, फाइबर भी बोल सकते हैं। रुक जाइए अमृत, थोड़ा सा हैव पेशेंस, खत्म ही हो जाएगा ये। देखिए ये लास्ट टॉपिक है, खत्म हो जाएगा तो बेहतर रहेगा, चैप्टर ही हमारा फिनिश हो जाएगा। नहीं, न्यूक्लियोलस को ब्रेन नहीं कह सकते पीयूष, न्यूक्लियस का न्यूक्लियस है, क्योंकि खाली न्यूक्लियोलस सारा फंक्शन सेल का कंट्रोल नहीं कर रहा है, न्यूक्लियस के बहुत सारे फंक्शन को कंट्रोल करता है, इसलिए ब्रेन ऑफ न्यूक्लियस कह सकते हैं। हो गया सारे लोगों का, अब देखिए ये हमारा लास्ट टॉपिक है, ये न्यूक्लियस, यहां तक हम लोगों का कंप्लीट हो गया है, एंड इसके बाद से कुछ टॉपिक बचा हुआ है सेल डिवीजन का, एंड इसमें क्रोमेटीन और क्रोमोसोम में अंतर बताना है हमको, एक टर्म है जीन वो भी बताना है, तो क्या आगे बढ़े? बोलिए यस सर। तो मैंने कहा भी ये लास्ट टॉपिक है, ठीक है, ये लास्ट टॉपिक कहा था मैंने न्यूक्लियस, तो हम लोग का एक जो टॉपिक है वो बचा हुआ है, और जो कि है सेल डिवीजन का पार्ट, जिसमें माइटोसिस और मियोसिस को थोड़ा हमें देखना है। तो मैं आपसे चैट ओपन करता हूँ कि जो भी आपको डाउट है पूछ लीजिए, इस टॉपिक को यहीं तक रहने देते हैं हम लोग, एंड जो भी आपको डाउट है वो पूछ सकते हो, 15 मिनट्स लेफ्ट है, 15 मिनट्स लेफ्ट डिस्कशन डाउट्स को कर लेते हैं, तो जिसको भी जो भी डाउट है वो पूछ सकता है सर। कहूत कर ले कहूत कहूत नहीं सुनाई दे रहा है। अच्छा क्विज बोल रहे है, नहीं आज तो नहीं हो पाएगा क्योंकि मैंने प्रिपेयर नहीं किया है कहूत के लिए। सर नेक्स्ट क्लास में, हाँ नेक्स्ट क्लास में ये चैप्टर थोड़ा ही सा रहेगा, नेक्स्ट क्लास में डेफिनेटली कहूत विल टेक प्लेस। ओके सर, ठीक है, वी विल कंडक्ट कहूत नेक्स्ट क्लास में, पक्का प्रॉमिस कहूत होगा ही, ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा ही सा टॉपिक बचा हुआ है हमारा, नेक्स्ट क्लास में फाइनल हो जाएगा ये। हाँ एंड अगेन मैं बोल रहा हूँ कि जो टेस्ट होने वाला है, मैं लास्ट जो लास्ट हमारा क्या था वीक जो माइटोकॉन्ड्रिया तक हुआ था वहीं तक उसी तक के सिलेबस में से आएगा टेस्ट में आपका। सर टेस्ट ऑब्जेक्टिव हुआ कि सब्जेक्टिव? बिल्कुल ऑब्जेक्टिव होगा। एनी टाइप ऑफ डाउट्स यू कैन आस्क। सर हमको कोई डाउट नहीं तो हम क्लास स्किप कर लें। यस ऑब्वियसली यू कैन डू। बाय सर। बाय बाय सर। यस कौशिक ऑब्जेक्टिव बोले, टेस्ट ऑब्जेक्टिव होगा। सर कैन वी लीव? यस इफ यू डोंट हैव एनी टाइप ऑफ डाउट।
सर आई कैन बिलीव, आई कैन बिलीव। सर ये जेनेटिक मटेरियल मतलब क्या होता है? क्या बाबू, क्या बाबू? सर जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल कहने लगे मटेरियल को कि जो भी कैरेक्टर्स है हम में, जो भी कैरेक्टर्स में, बाय सर, बाय सर, जो भी कैरेक्टर्स में जरा आता है। हां सारे लोग बात कर लेंगे तब आएंगे, लोग बात कर लेंगे तब आएगा। देखिए हम जेनेटिक कैरेक्टर्स की बात कर रहे हैं या की बात मटेरियल्स की बात कर रहे हैं, तो एक्चुअली वो है क्या कि जो भी कैरेक्टर्स हमको अपने पेरेंट्स से मिलता है वो क्या होता है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास ऑन होता है, एंड इसी को हम ठीक है, तो जेनेटिक कैरेक्टर्स ट्रांसमिट फ्रॉम वन पेरेंट टू द ऑफस्प्रिंग या फ्रॉम पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग हम कह सकते हैं। और कुछ अमृत, उत्कर्ष, उत्कर्ष कौशिक बताइए सर क्या लीव हो सकते हैं? हाँ बिल्कुल, बाय सर। सर मेरे पास एक डाउट है सर, लास्ट एक स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन के बाद सर, उसके बाद आप साइटोप्लाज्म पे कोई नोट्स नहीं लिखवाए थे सर, सिर्फ साइटोप्लाज्म के ऊपर? नहीं सिर्फ साइटोप्लाज्म पे कोई नोट्स नहीं है, कुछ नहीं है। साइटोप्लाज्म में कंपोनेंट्स बना है, जेली लाइक मैट्रिक्स लिख सकते हैं बस। ओके सर, ओके उत्कर्ष यू कैन लीव। सर हाय, सर हाँ बोलिए। So can I leave? Yes. Thank you, sir. Or doubt, Amrit, Aryan, Piyush, Rehan, Utkarsh, and कोई डाउट नहीं है? ठीक है, तो एंड कर रहे हैं सेशन। ठीक है, नोट्स एंड वीडियो अपलोड हो जाएगा शाम तक आपका।